बताइए कि इनका मेकअप कैसे लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई डिड हर मेकअप। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। और आज देख सकते हैं आप, मेरी मम्मी है मेरे साथ में और आज मैंने इनका मेकअप किया है। और आप सभी बताइए कि इनका मेकअप कैसे लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई डिड हर मेकअप, एक्चुअली सेकंड टाइम, एक बार और मैंने ऐसे ही किया था और समय हमने शूट नहीं किया। एंड फाइनल रिजल्ट ये है। तो मेकअप कैसे लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। एक एक ब्राइडल, ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने ब्राइडल मेकअप किया है क्योंकि पूरी कोशिश की है ब्राइडल लुक देने की। हालांकि मम्मी ज्यादा मेकअप नहीं करती है, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा ही बोल रही थी ज्यादा मत लगाओ, लेकिन ठीक है कभी कभी करना चाहिए। तो ये मेकअप मैंने किया है और कट क्रीज वगैरह भी दिया है और सारी चीजें मैंने इसमें की है। तो आपको वीडियो आई होप पसंद आएगी और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मैंने मम्मी का मेकअप कैसे किया है। आज की वीडियो जितना मुझे शूट करने में मज़ा आई उससे ज़्यादा मैं जब एडिट कर रही थी मुझे ज़्यादा फ़नी लग रही थी। बीच बीच में जो मम्मी के एक्सप्रेशन थे वो बहुत ज़्यादा ही फ़नी लग रहे थे। तो आगे आपको देखने को सारा चीज़ें मिलेगी। और सबसे पहले मैंने फेस सिमुलेटर लगाया उनके चेहरे पे। मम्मा जो है बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बहुत कम से कम मेकअप करती है। लिपस्टिक और काजल लगा लिया, दैट्स इट। और फाउंडेशन बहुत कम और कॉम्पैक्ट लगाती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले तो कंसीलर लगाया, उससे पहले हमने स्किन केयर जो है मम्मी का अच्छे से कर दिया था। कंसीलर लगाने के बाद मैंने अच्छे से ब्रश के साथ उसको ब्लेंड किया और ब्लेंड करते करते, अच्छे से ब्लेंड करना है आपको भी। और मम्मी वॉज लाइक अरे यार कितनी जल्दी ये ख़त्म हो, ऐसा टाइप का है क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा मेकअप में नहीं रहे। बट somehow she managed to sit at least 1 hour और बहुत पेशेंसली मम्मी वहाँ पे बैठी हुई थी। देन आई अप्लाइड फाउंडेशन और मैंने मेबलिन की फिट में फाउंडेशन ली उसको फिंगर टिप से। पहले तो मैंने पूरे फेस और नेक एरिया में अच्छे से अप्लाई किया। देन आई टुक ब्रश फाउंडेशन एंड आई ब्लेंड इट वेल। तो ब्लेंडिंग इसकी, मैं हर मेकअप की वीडियो में बोलती हूँ कि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी अच्छा टाइम लेके ब्लेंड किया है एंड मम्मी देखिए कितनी खुश है कि मेरी बेटी मेरा मेकअप करे। बट आई जस्ट फील लाइक कि शी वॉन्ट्स कि ये जल्दी ख़त्म हो क्योंकि मेकअप वो बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं। बट मेरे लिए उन्होंने बैठा इतना देर बहुत बड़ी बात है। देन यहाँ पे मैंने कलर करेक्शन लिया है क्योंकि क्या होता है ओल्ड एज में है जो फेस में हमको कलर करेक्ट करने की, करेक्शन करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो मैंने अंडर आई के नीचे उनका जो है ऑरेंज करेक्टर लगाया और अच्छे से उसको ब्लेंड किया। और बीच बीच में मम्मी की प्यारी सी स्माइल देखने को भी आपको मिलेगी। एंड उसके ऊपर मैंने लगाया कंसीलर और इस दरमियान जब मैं कंसीलर ब्लेंड कर ली थी उसके बाद मैंने बेकिंग भी की थी लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गई। और उसके बाद मैंने कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड किया। और जैसे कि हम एज में आगे बढ़ते हैं, ओल्ड एज जब जिनका मेकअप करते हैं तो उनके लिए क्या है, अपन को प्रोडक्ट बहुत कम लेना चाहिए, बहुत हैवी प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग ये है कि बहुत नेचुरल लुक उनको देना चाहिए क्योंकि अगर ओवर अपन प्रोडक्ट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर लगेगी। देन आई टुक कॉन्टोरिंग स्टिक और कॉन्टोरिंग की है। मैंने बोला मम्मा फिश शेप का आप माउथ बनाइए, पाउटिंग टाइप की बनाइए एंड शी डिड सेम। बहुत क्यूट लग रही थी। ओके, देन मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग की, चिक्स में बनाई, जॉ लाइन में बनाई और फोर हेड के ऊपर साइड में मैंने बनाई और उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड किया। और कितनी क्यूटली मम्मी स्माइल कर रही थी एंड थोड़ी सी वो भी उनको अनईजी टाइप का भी लग रहा था क्योंकि ब्रश चलती है तो थोड़ी सी वो फील होती है। बट ठीक है, शी कॉपरेट्स विथ मी। और अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद जो है फेस आप देखेंगे तो हल्का सा जो शेप है वो चेंज लगी क्योंकि कॉन्टोरिंग हम क्यों करते हैं, शेप देने के लिए, फेस को शेप देने के लिए। यदि
फेस बहुत ज़्यादा चबी है तो आप उसको स्लिम ट्रिम भी बना सकते हैं। तो कॉन्टोरिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है, कॉन्टोरिंग आपको मिस नहीं करनी चाहिए। देन एप्पल ऑफ चिक्स मम्मा की जो है, मैंने उन पे ब्लश लगाया, बहुत अच्छे से ब्लश लगाया। एंड कोरल कलर की ब्लश मैंने यहाँ पे अप्लाई की क्योंकि उनका स्किन का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर है और कोरल कलर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जच रही थी, अच्छे से मैंने ब्लेंड किया। एंड वाकई में मम्मा जो है बहुत ज़्यादा डॉल लग रही थी एंड शी वॉज लाइक कि मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना क्योंकि शी डजेंट वॉन्ट टू लुक टू मच। तो मैंने बोला कि बिल्कुल आप टेंशन मत लो। उसके बाद मैंने ब्लश लगाने के बाद आईब्रोज को शेप दिया और आईब्रो ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रो में पहले ब्रशिंग उसके बाद मैंने आईब्रो ब्रशिंग करने के बाद जो है वो ब्लैक कलर और ब्राउन कलर को मिक्स करके उनके आईब्रोज को फिल किया। और आईब्रोज को टू मच मैं दिखाना नहीं चाहती, बहुत नेचुरल मैंने उस पर आई शेडो लगाया और हल्की सी ड्रैग की, हल्की सी ड्रॉ की और उसको अच्छे से ब्लेंड किया। बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया, थोड़े प्रोडक्ट को ही मैंने अच्छे से ब्लेंड किया और देखिए बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक जो है हमें प्रोवाइड हुई। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेकअप जो है वो सही जा रही है क्योंकि दूसरे पे मेकअप करने में थोड़ा सा रिस्क लगता है, बट यहाँ पे तो ये अपनी मदर है और हमारी मम्मी किसी चीज के लिए कभी भी कुछ नहीं बोलती है। अगर कुछ खराब भी हो गया तो कुछ कभी नहीं बोलती है। बट मैं ये चाहती थी कि मम्मी की जो मेकअप है वो बहुत अच्छा टर्न आउट हो और मैंने आई शेडो का प्ले करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने न्यूड कलर लिया क्योंकि मैं न्यूड कलर से ही शुरुआत करती हूँ। पूरे आई लीड में अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद ट्रांजिशन कलर के लिए मैंने हल्का सा ब्राउनिश टाइप का कलर लिया और मैंने ट्रांजिशन कलर दिया। और आज की वीडियो में हम लोग कट क्रीज भी देने वाले हैं। और उसके बाद जो है मैंने पीची पिंक टाइप की कलर लिया और पूरे आई लीड में उसे अच्छे से अप्लाई किया। उसके बाद हाफ कट क्रीज अपन को देना है और कंसीलर लेने के बाद मैं कट क्रीज देने का प्रोसेस को शुरू करती हूँ। एक चीज़ मैंने ये देखिए कि खुद का कट क्रीज देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट यदि हम किसी का मेकअप कर रहे हैं तो कट क्रीज देने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरों का मेकअप करना तो उससे भी ज़्यादा पसंद है। देन आई टुक लिटिल ब्लू कलर, बहुत ज़्यादा हार्श ब्लू कलर नहीं थी, और उसको मैंने जो कट क्रीज बनाया था उसे पे अप्लाई कर रहा था और फिंगर टिप से अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से हल्की से ब्लेंड करूँगी और दोनों कलर को मर्ज करूँगी ताकि ऐसा कोई हार्श लाइन अपन को देखने को नहीं मिले। और एक्सेस जो निकल गई उसको फिंगर टिप से मैं हल्की से ब्लेंड कर रही हूँ। देन पूरे शेडो को अच्छे से मर्ज कर रही हूँ क्रीज लाइन में भी और ट्रांजिशन लाइन में भी, यदि कुछ दिख रही होगी तो मैं उसको अच्छे से ब्लेंड मैंने कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्लिटर शेडो लिया है, ग्लिटर शेडो को अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ग्लिटर शेडो का बेनिफिट ये है कि वो निकलती नहीं है और अच्छे से वो ब्लेंड हो जाती है। तो पूरी आई लीड में मैंने जो है रोज़ गोल्ड कलर का ग्लिटर अप्लाई किया और लोअर लाइन में भी मैंने हल्की सी ब्लू कलर की शेडो ली और उसको अच्छे से ब्लेंड किया, फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया। बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रश आपको नहीं लेना है। अब यहाँ तक तो मम्मी का पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया होगा और वो मन में सोच रही होंगी बस कर और कितना लगाएगी। लेकिन अब है आई लाइनर की बारी और हमको आई लाइनर बहुत अच्छे से लगाना, काजल लगाना और आई लाइनर लगाने में थोड़ी रिस्क मुझे लगती है, बट बहुत अच्छी लगी। वन स्ट्रोक में बहुत अच्छे से एप्लीकेशन अप्लाई होती है और ये लैक्मे की इंस्टा आईलाइनर है। एक तो हमारे बजट में है, ऊपर से बहुत अच्छी लास्ट करती है, लॉन्जिविटी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और कलर की बात करें तो कलर पे ऑफ एकदम जेट ब्लैक कलर हमको प्रोवाइड करती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ये आईलाइनर पसंद आती है। अच्छे से मैंने दोनों आँखों में ड्रॉ की और उसके बाद एक दो मिनट के लिए मैंने इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया क्योंकि कई बार क्या होता है इमीडिएटली अपन आई को ऊपर कर देते तो ऊपर वाली लाइन में जो है वो लग जाती है और फिर मेकअप जो है पूरी ख़राब हो जाती है, उसके बाद फिर से अपन को निकालने का झंझट रहती है। इसलिए थोड़ी सी सेट होने के लिए दीजिए, उसके बाद ही आप आगे का मेकअप को प्रोसीड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे हाइलाइटिंग, तो फेस को अच्छे से हाईलाइट करिए। और मम्मी का जो फेस है वैसे ही ग्लो कर रहा था, ज़रूरत नहीं है, बट हम मेकअप कर रहे हैं तो हाईलाइट भी हम अच्छे से करेंगे। तो मैंने अच्छे से हाईलाइट किया मम्मी के पूरे जॉ लाइन में, नोज़ में, फोरहेड में, एप्पल ऑफ चिक्स में एंड
जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि हाईलाइट होने की ज़रूरत है एंड इनर कॉर्नर में भी मैंने हाईलाइट किया, और उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे से, मेकअप स्प्रे से उनके फेस को सेट किया और मैंने फॉल्सेस वगैरह बिल्कुल नहीं लगाई क्योंकि मम्मा बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, तो जिसमें वो कंफर्टेबल है हम वही चीज़ करेंगे। विद द हेल्प ऑफ आई लैश कर्लर आई डिड हर कर्लिंग और मैंने आई लैश को हल्की सी कर्ल की, उसके बाद मस्कारा अप्लाई किया और काजल अप्लाई किया। काजल लगाना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है और मम्मी जो है काजल फैन नहीं है, बहुत कम काजल लगाती है, मतलब ना के बराबर वो काजल को लगाती है। और मैंने काजल अप्लाई करने के बाद लिप में लिप लाइनर अप्लाई किया, मरून कलर का लिप लाइनर लिया और उसको अच्छे से लिप को शेप दिया, डिफाइन किया। अच्छा, लिपस्टिक में ना मम्मा को रेड और पिंक टाइप की लिपस्टिक ज़्यादा पसंद आती है, उनको डार्क शेड लगाने का काफ़ी शौक है, वो डार्क शेड ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो मैंने यहाँ पे माई ग्लैम की लिपस्टिक ली एंड उसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई की, फाइनल टच उनको दे रही हूँ और ये है उनका फाइनल लुक। Guys, that's it for today's video. I hope आपको आज का video और आज का makeup, I did my mother's makeup, पसंद आया होगा। Please like, share and subscribe to Beautiful Chick और खूब सारा प्यार देते रहिएगा और इस channel में बने रहिएगा। और like तो बनता है क्योंकि पहली बार मैंने इस channel में अपनी मम्मी का makeup किया है, अपनी mother का makeup किया है, तो like करें, तो please like करेगा। मैं फिर किसी video में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखें। और मम्मी कुछ जोर शब्द बोलना चाहती हैं? मैं तो कभी मेकअप इतना नहीं करती थी, पर आज बेबी बोली कि मम्मी मैं आज आपका मेकअप करती हूँ, तो मैं तैयार हो गई। फिर बेबी लगाई अपना जो भी सामान अपना रखी थी फेस का, हाँ, तो मेरे ऊपर अप्लाई करी है, अब देखिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। सो गाइस, ये था आज का, बाय।